हेलो मेरे प्यारों, तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। तो भाइयों, आपको वीडियो का आज का टॉपिक मिल गया होगा, पता चल गया होगा। तड़कती भड़कती वीडियो आने वाली हमारी, और वीडियो है चार लेजेंडरी आर्मी के लिए कि क्या है। चलो चार के साथ मैं आपको आज एक बोनस आर्मी बताऊंगा। तो भाई बोनस आर्मी कैसी है? हमने बोनस आर्मी का बहुत ही अच्छे से उपयोग कर रखा आज तक। तो भाई मार्केट में गधी घोड़ी बैठा रखी है उस मार्केट में के साथ। तो चलिए आइए एक छोटे से इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए बोनस आर्मी हमारी, इससे आज हम एक एक बेस फोड़ेंगे, एक एक बेस की गधी घोड़ी बैठाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई हम एक बेस पे आ चुके हैं और हमने प्लानिंग भी कर ली है। ये मैक्स बेस है टीच 11 का, बॉस रह गई है बस। तो भाई आज हम इसे फोड़ेंगे अपनी तड़कती भड़कती आर्मी, बोले तो सुपर आर्ज आर्मी से। तो देखना कैसे हम गाइड करते हैं। भाई पहले तो यहाँ पे वो फनल क्रिएट करना आप अच्छे से, जितना हो सके उतना करना फनल क्रिएट करना। और यहाँ पे लॉग लुगाई लॉन्चर लाए हो आप, लॉग लुगाई लॉन्चर को ऐसे छोड़ना है जैसे कि बॉल टूटे। अगर बॉल नहीं भी तोड़ पाई ना लॉग लुगाई लॉन्चर, पहले ही मर गई, तो कोई गड़बड़ की बात नहीं है मेरे दोस्त। देखना अभी मैं अब डालता हूँ आर्चर। अबे वे 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 क्या चली गई आर्चर यार। 3 होगा भी कि नहीं होगा, लॉग लुगाई लॉन्चर भी मर गई। कोई नहीं, ऐसे ही चीज़ों को बचाने के लिए मैंने अपना बॉम्बर की सेना भी लाता हूँ मैं कि अंदर घुस सके। तो यहाँ पे अंदर घुस गई है क्या आर्मी, और अब बजाएंगे, बजाते रहेंगे बेस की खोल करके। भाई जैसे भी हो ना, चाहे जितना भी एड़ी चोटी का बल लगा लेना, सुपर आर्चर को बेस के अंदर घुसेड़ देना, और फिर गधी घोड़ी अच्छे अच्छे बेस की बैठ जाती है। पर यहाँ मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, इसलिए मैंने एक रेत डाल दिया है। भाई क्यों इनको बचा के रखना, और सीसी पहले निकाल लेना। इसके पास सीसी नहीं है। कोई नहीं भाई, वीडियो बनाते बनाते मैं बात भी कर रहा हूँ। और भाई मैं तो और क्या, और तो और मैं एक स्पेल लाना भूल गया। अब भूल गया तो भूल गया यार, अब इधर ध्यान देते हैं ना। ये आर्मी से मैं प्रो, और इससे ज़्यादा प्रो वो सुअर वाली आर्मी से हूँ। हाँ सुअर सुअर। यहाँ पे हमारे जॉनी चच्चा मर चुके हैं, बुड्ढा महारानी के संग पीछे भग रहा, और एनिमी का जॉनी हमारे को मारना चाहता है पर नहीं मार पाया। यहाँ पे हमने बैटिंग स्टार्ट कर दी है। फ्रिज एक लाना भूल गए, तो हमारे को थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, आगे शायद सारे बैट मर जाएंगे मेरे ख्याल से। होना ही यही चाहिए क्योंकि कुछ तो बचा नहीं है। क्या नहीं बचा है भाई, फ्रिज ही नहीं लाया मैं एक, तो मरेंगे ही ना। अचार थोड़ी ना डालेंगे तो मर गए हमारा क्या। ये लो मैं पोजीशन को स्वैक करता हूँ। 1 2 3 मारा। तो भाई ये तो स्वैक हो चुका है, और भाई ये 3 हो चुका है। तो भाई ये आर्मी ना आप भी यूज करना, मैं अभी आपको और भी ऐसी लेजेंडरी आर्मी बताऊंगा। पर ये देख सकते हो ये बोनस आर्मी है, हो सकती है बोनस आर्मी भी है या नहीं भी। पर अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे देख रहे हो वीडियो, मजे उठा रहे हो पूरे तड़कती भड़कती वीडियो का, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ठोकना मत भूलना मेरे दोस्त। और तो और बाजू वाला घंटा भी बजा देना, घंटा बजाना कोई नहीं भूलेगा। तो भाई ये पैकअप ओवरवेट आर्मी है। भाई इसमें ना बिजार्ड टावर का ध्यान रखना होता है, जहाँ पर ज़्यादा बिजार्ड टावर मिल रहे हो उधर से ही अटैक स्टार्ट करना, फनल क्रिएट करके 2 इलेक्ट्रो के साथ। और सीसी हो सके तो सीसी को इग्नोर करना, फुल इग्नोर करना, जितना कर सकते हो ना इग्नोर उतना करना। और जब ये बीच में कोर में फंस जाए, यानी कि पहुँच जाए सारी आर्मी, तो एक रेट डाल देना, धुम उठ जाएगा पूरे मार्केट में। इसमें कोई पॉइजन स्पेल ले जाने की जरूरत नहीं आपको एक्स्ट्रा, चाहे तो आप टीच 11 से कर लेते, 2 बैट स्पेल माइनस करके 2 मैक्स बैट स्पेल ले सकते हो। तो भाई ये थी ये आर्मी, देख लीजिए मैंने आर्मी का नाम भी रख रखा है। अगर आप इलेक्ट्रो आर्मी से यूज करते हो इलेक्ट्रो रेस, तो मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ इलेक्ट्रो ट्रैक बैट आर्मी। भाई ये आर्मी ना गधी घोड़ी बैठा देती है, बोले तो धुम्मा मचा देती है।
देख सकते हो मैंने ये लेता हूँ, और इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ पे से बिजाट टावर दिखेगी वो सब नहीं, पहले सीसी लूट करो एनिमी की, और पीछे से एक पाथवे बनाओ और सीधा करते चले जाओ, जैसे इलेक्ट्रो के साथ करते हो ना इलेक्ट्रो रेज अटैक, वैसे ये भी होता है, जैसे ट्रैक बैट होता है सेम, कोई अंधा बंदा कुछ नहीं, धंधा भी नहीं। तो भाई नेक्स्ट आर्मी है कौन सी, देखना मत भूलना मेरे दोस्त, तो ये है जैपक्वैक। तो भाई ये जैपक्वैक है, तो जैपक्वैक ही बना देंगे ना हम इस आर्मी को। भाई ये स्पैम आर्मी होती है, जिस बेस में अच्छा लगे आपको स्पैम करने का मन हो तो स्पैम कर दो इस आर्मी के साथ, और पहले तो मल्टीपल इन्फर्नो निकाल लो, अब मल्टीपल इन्फर्नो के साथ ज़्यादा अगर आपको मिले ना और भी हैवी डिफेंस, जैसे एक्सपो एक्सपो, तो उसके साथ ही आयरन निकाल लो, और सीसी लूर कर दो एनिमी की, और फिर ये छोड़ दो स्पैम तक कर दो स्पैम आर्मी की तरह जैपक्वैक को। तो ये हर वेव 3 निकालेगी सीसी में, आप भाई इसकी सीसी में ना एक आईजी ले लेना, और आईजी के साथ एक पोजिशन ले लेना, पोजिशन के साथ धुम्मा मचाने के लिए सारे बोलर ले लेना, और कर देना हर बेस में घुस जाना। और ये मेरी सुअरों की फौज भी देखना आप भाई, सुअरों की फौज के साथ अगर आपको अटैक देखना है ना, मैंने एक वीडियो बनाई है TH11 वर्सेस TH12 की, उसका बेस का लिंक भी, यानी कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देख लेना पूरी वीडियो, और कोई शोरगोल मत नहीं मचाएगा, पूरी आर्मी देखो कि क्या क्या यूज करता हूँ मैं। भाई ये तो तड़कती बड़कती आर्मी है, इस आर्मी के साथ ना आप हर बेस 3 कर सकते हो, जितना चाहे उतना मन। भाई बस इसमें क्या करना होता है आपको, एक तरफ से ईगल निकालना होता है या हैवी डिफेंस जहाँ पे होता है क्यों, उनको उधर घुसेड़ना होता है, और सीसी अगर दूसरी साइड है ना तो वहाँ पे ना एक हॉग या एक माइनर डाल के सीसी लूट कर लेना, और सीसी जब आएगी क्यून के पास तो सीसी ड्रॉप हो जाएगी, क्यून कर ही देगी रेज के साथ और पॉइसन के साथ कमाल करके। और तो और ये आर्मी नंगा नाच नाचेगी पूरे बेस में, धड़क धड़क धड़क। तो भाई ये आर्मी है प्रो अपने आप में, जितना इसकी तारीफ करूं उतनी कम है, इसकी तारीफ करूं क्या मैं, आप देख सकते हो मैंने TH11 से TH12 फोड़ा है इसमें, तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आपको फुल का एडिट करूंगा मैं इसकी हाइब्रिड कैसे यूज करते हैं उस वीडियो में, तो जाओ देख लेना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब मैं आपको एक बोनस आर्मी दिखाऊंगा इसके बाद, जिससे मैंने अभी अटैक करा था, इसका नाम तो फिलहाल मैंने रखा नहीं है, सुपर आर्च बार ड्रैग आर्मी, चलो तुम्हारे लिए। तो देखो इसमें मैं क्या यूज करता हूँ, 12 आर्चर यूज करता हूँ, ये हो चुकी 12 आर्चर, और यहाँ पे हम 5 वो लेंगे क्या, एक पोजिशन 5 बैट, यहाँ पे ये सही। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ठोकना मत भूलना मेरे दोस्त, इस आर्मी से आप अच्छे अच्छों की गधी घोड़ी बैठा देना, मार्केट में धुम्मा मचा देना, और कोई टिकेगा नहीं इस आर्मी के साथ, बस अगर आर्मी भटक भी गई ना तो वो ये किस ले जा रहे हो आप बोम्बर, उसका इस्तेमाल करना, या वो भीख मांगने के लिए ले जा रहे हो बेस के अंदर, गजब बेइज्जती है भाई। इस आर्मी के साथ ना एक से एक बेस 3 स्टार्ट करोगे आप, पैक का वो वेट करते हैं, वैसे ही करना, पहले बिजाट टावर को मार देना और फूक मार के, और फिर बैट्स से और इस सब से निकाल देना, मैंने गाइड कर दिया आपको, जब तक के लिए जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।